दोस्तों, अगर हम कमोडिटी में बात करें तो कमोडिटी में जिंक में कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से जिंक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और नीचे के लेवल हमें जिंक में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जिंक आने वाले समय में अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या रखने वाला है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एनजीएन एप्लीकेशन पे जाते हैं और यहाँ पे इंस्टाटा डिफरेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जिंक के चार्ट का एनालाइज करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमने यहाँ पे जिंक को ऐड करके रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिंक को लगा लेते हैं और जिंक का एनालिसिस करेंगे। जैसे यहाँ देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ 28 अप्रैल एक्सपायरी का जिंक का चार्ट लगा हुआ है। अगर आपके पास जिंक नहीं है तो आप सही कन का यूज़ करके आप जिंक को यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जिंक पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जिंक का चार्ट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जिंक में काफ़ी बड़ी गिरावट आ रही है। 300 के लेवल से जिंक जो है गिरता हुआ अभी यहाँ पे 244 के लेवल तक ये भी स्लिप हो चुका है। अगर हम यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग विंडो की ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे वीडियो को आपके लिए बनाया था और इसमें बताया था कि जिंक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 247 का है और ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो जिंक में जो हमें गिरावट है ये 245 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। अब आज अब देखते हैं कि जो हमने लेवल को आइडेंटिफाई किया था उसी लेवल तक के हमें जिंक में यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला है और उसी के बाद से यहाँ पे जिंक में एक अपसाइड का मूव बनते हुए नजर आया है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपने यहाँ से बेनिफिट लिया होगा। अब बात करते हैं कि आने वाले समय में जिंक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। अगर जिंक इस सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो जिंक में हमें अपसाइड का मूवमेंट तो अभी देखने को मिल सकता है और यहाँ से जो जिंक है ये 250 का पहला रेजिस्टेंस हमें लेता हुआ नजर आएगा और इसके बाद अगर हम अगले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर जिंक 250 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो 252 का हमें अगला सपोर्ट और उसके बाद हमें 254 का हमें उसके बाद अगला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इन सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जिंक में बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि जिंक 247 के नीचे जाता है और वापस से हमें 245 के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे जिंक में सेल करके हम सेल की पोजिशन एक शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे। अगर हमें लगता है कि जिंक में ऊपर आने की संभावना बढ़ती है तो इस समय हम बाय ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक लॉट मेंशन करूँगा और एक लॉट में आती है यहाँ पे 5 मेट्रिक टन क्वांटिटी आती है। करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 248.80 के अकॉर्डिंग यहाँ जो मार्जिन मांगा जा रहा है ये 1,40,550 लगेगा। जो चार्जेस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म ऑर्डर पे प्रेस करना है, ऑर्डर सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों, एनजीएफएन एप्लीकेशन में ये शानदार फीचर है कि आप अपना ऑर्डर को यहीं से पुट कर सकते हैं और एक बार ऑर्डर लगने के बाद अगर अपनी आपकी पोजीशन बन जाती है तो आपको P&L आपको सेम विंडो पे देखने को मिलता है। आप अपने ऑर्डर में अगर पोटेंशियल रिटर्न को बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बाय और सेल के बटन देखने को मिलती है। अगर आपने बाइंग की पोजीशन बनाई है तो आप सेल करके अपना पोटेंशियल रिटर्न को बुक कर सकते हैं और अगर आपने सेल साइट में पोजीशन बनाई है तो बाय करके अपने पोटेंशियल रिटर्न को बुक कर सकते हैं। ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। साइड बार का यूज़ करके आप अलग अलग टूल्स अलग अलग टूल्स को आप यहाँ पे ड्रॉ करके आप अपने चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। FX ऑप्शन का यूज़ करके अलग अलग इंडिकेटर को यहाँ पे ड्रॉ करके चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना इजी इतना आसान हो जाता है एनजीएन एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करना और यहाँ पे काम करना। अगर आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट एनजीएन में ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही अपना डिमेट अकाउंट एनजीएन के साथ ओपन करें। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डिमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, साथ ही आपका 1 ईयर का एंट्री चार्जेस बिल्कुल फ्री रहने वाला है। और अगर आप और ज़्यादा बेस्ट ऑफर जानना चाहते हैं जो कि जिसका बेनिफिट बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप बेस्ट ऑफर्स जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।